मैंने कि अगर बारिश होगी तो आप छाता लेकर जाओगे। छाता लेकर जाना यहां पर एक काम है, ठीक उसी तरह जैसे कि आपकी प्रोग्रामिंग में कोई कोड एक काम होता है। हे कोडाहोलिक, दिस इज योगेश बिस्ट एंड यू आर वॉचिंग द कोड डेक। इन द प्रीवियस सेशन ऑफ दिस सीरीज वी हैव डिस्कस अ लॉट अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज वी डिस्कस अबाउट सम प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द एरर सॉल्विंग अप्रोच इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी सॉल्व नंबर ऑफ एरर्स एंड प्रॉब्लम लाइक सिंपल इंटरेस्ट, ग्रॉस सैलरी, रिवर्स ऑफ नंबर एंड एक्सेट्रा। Now it's time to go further for some difficult concept or the queries like conditional statement. In C programming language, we use conditional statement in many of the concept of C programming language, like your if, if else, ladder, nesting of if. Then we have looping, and at the last, that is your switch case. In this video, we are going to focus on the if else and ladders concept, right? We will go for the some basic theory concept, then in the later videos we will discuss about the practical approaches and all other things which are related to the conditional statement. So now it's time for the some basic concept of if else theoretical approach. So let's begin the video. So here is your conditional statement. लेकिन सर, प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, हम इसे कैसे यूज करते हैं और हम इसे कहां पर यूज करेंगे? डेफिनेटली आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन अभी जरूर चल रहे हैं, तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो में हम वन बाय वन आपके हर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो भी प्रोग्रामिंग कोड लिख रहे हैं, चाहे वो एक लाइन का है, दो लाइन का है, तीन लाइन का है, या फिर पांच छह सात आठ कुछ कितने भी लाइन का है, वो कोड किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट होगा। क्या कहा मैंने कि आपका कोड किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट होगा। आइए इसे रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि अगर बारिश होगी तो आप छाता लेकर जाओगे। क्या कहा मैंने कि अगर बारिश होगी तो आप छाता लेकर जाओगे। छाता लेकर जाना यहां पर एक काम है, ठीक उसी तरह जैसे कि आपकी प्रोग्रामिंग में कोई कोड एक काम होता है। तो क्या कहा मैंने कि छाता लेकर जाना एक काम है जो कि कंडीशन अगर बारिश होगी पर डिपेंडेंट है। अगर बारिश होगी तभी छाता ले जाएगा, राइट? तो यानी आपका कोई कोड, चाहे वो कितने भी स्टेटमेंट का है, वो किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट होगा। डेफिनेटली हो सकता है कि अभी आपको उतना ज्यादा समझ में नहीं आ पा रहा हो, कई चीजें आपके माइंड में मिस हो रही है, लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। मैं आगे इस वीडियो में आपको कुछ एग्जांपल की मदद से समझाने वाला हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कंडीशनल स्टेटमेंट काम कैसे करता है। इन सारी चीजों का हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास कई तरीके होते हैं जो हम अपने प्रोग्रामिंग में या फिर अपने कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला तरीका हमारे पास है, दैट इज योर इफ स्टेटमेंट। बट सर, इफ स्टेटमेंट होता क्या है? तो जैसा कि आपने अब तक कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी, हिंदी, इंग्लिश, या फिर हो सकता है कोई अदर, गुजराती, तमिलनाडु, वट एवर इज इट, राइट? तो इफ का मतलब क्या होता है? अगर। क्या कहा मैंने? इफ का मतलब होता है अगर, यानी अगर अगर जो एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, यानी अगर ये कंडीशन सही हुई, तभी आपका कोड रन होगा, या फिर जो भी स्टेटमेंट इस इफ कंडीशन के अंदर लिखी होगी तभी वो कंडीशन चलेंगी। क्या कहा मैंने कि अगर ये कंडीशन, यहां पर ये कंडीशन मैंडेटरी है और ये कंडीशन इन दो ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, राइट? तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तभी आपका कोड काम करेगा। अगर आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है या फिर एक लाइन का कोड है, तो वहां पर आपको ये दो कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। एज अ प्रोग्रामर, एज अ बिगिनर, डेफिनेटली आप इन चीजों को मिस कर सकते हैं। यहां पर अगर एक स्टेटमेंट में हुई तब भी आप ये
कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं, बट एक अच्छा तरीका, एक अच्छा लुक्स तभी देता है जब आप सिंगल स्टेटमेंट में ये कर्ली ब्रेसेस यूज ना करो, राइट? तो आइए मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूं कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इफ अगर एज, फॉर एग्जांपल यूजर ने एज इनपुट करी, राइट? तो अगर यूजर ने एज इनपुट करी 34, अगर एज 18 से बड़ी है तभी क्या होगा, तभी हम प्रिंट कराएंगे ही कैन वोट, राइट? क्या कहा मैंने कि अगर जो यूजर ने एज एंटर करी वो 18 से बड़ी होगी तभी हम प्रिंट कराएंगे कि ही कैन वोट, राइट? अदरवाइज नहीं कराएंगे कुछ भी प्रिंट, राइट? तो डेफिनेटली आई होप कि आप इफ स्टेटमेंट के बारे में समझ गए होंगे। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट, दैट इज योर द इफ एल्स स्टेटमेंट। अब सर ये इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? जैसा कि आपने इफ स्टेटमेंट पढ़ा था कि अगर एज 18 से बड़ी होगी तभी वोट दे सकता है, लेकिन क्या वहां पर इस बात का जिक्र हुआ था कि अगर एज 18 से छोटी होगी तो उसका क्या होगा? सर आपका प्रोग्राम वही सबसे बेहतर होगा जो हर एक कंडीशन पर अप्लाई किया जा सके, जो हर एक कंडीशन को फॉलो कर सके। कंडीशन ये भी है कि अगर एज 18 से छोटी हो गई तो उसका क्या, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज योर इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट? तो आइए समझते हैं इसे। तो अगर इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तब क्या होगा, प्रिंट होगा ही कैन वोट, एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या प्रिंट होगा, ही कैन नॉट वेट, सॉरी ही कैन नॉट वोट, क्या प्रिंट होगा, ही कांट वोट। क्या कहा मैंने कि अगर एज 18 से बड़ी होगी तब प्रिंट होगा क्या, ही कैन वोट, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या प्रिंट होगा, ही कांट वोट, राइट? तो सर ये तो था आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज योर नेस्टिंग इफ। अब सर ये नेस्टिंग इफ क्या हुआ, राइट? तो आइए देखते हैं नेस्टिंग इफ के बारे में। तो बेसिकली अगर मैं इन इजी वर्ड्स कहूं तो नेस्टिंग इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ। क्या कहा मैंने, इफ के अंदर इफ। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक इफ कंडीशन है और इफ कंडीशन के अंदर, इस इफ कंडीशन के अंदर एक दूसरी इफ कंडीशन है, यानी इफ के अंदर इफ, राइट? लेकिन यहां पर एक बात समझने के लायक ये है, क्योंकि जब आप आगे के कॉन्सेप्ट जो कि लेटर कॉन्सेप्ट है वहां पर इस चीज से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट? तो क्या होता है कि जो आपका अंदर वाला इफ है, यानी जो आपका ये इफ है, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन दिस इफ। क्या कहा मैंने कि जो आपका अंदर वाला इफ है वो इस इफ पे डिपेंडेंट रहेगा। कैसे डिपेंडेंट रहेगा कि अगर अगर जो पहला वाला इफ है, अगर जो पहला वाला इफ है वो ट्रू हुआ तभी दूसरा वाला इफ चलेगा। जैसे मैंने कहा एज इज ग्रेटर देन 18, राइट? अगर एज 18 से बड़ी है तभी ये अंदर आएगा, अगर एज 18 से बड़ी नहीं हुई तो ये अंदर नहीं आएगा। फिर अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर एज ग्रेटर देन 25 है, राइट? तो यानी पहले जो आपके अंदर वाली इफ है वो किस पर डिपेंडेंट है, वो पहले वाले पर डिपेंडेंट है कि अगर एज 18 से बड़ा है तभी हम क्या चेक करेंगे कि क्या एज 25 से भी बड़ी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कहां चले जाएंगे, हम एल्स कंडीशन में चले जाएंगे, राइट? तो यहां पर ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जो आपके अंदर वाली कंडीशन होगी, मैंने क्या कहा कि जो आपके अंदर वाली कंडीशन होगी दैट विल ऑलवेज डिपेंडेड ऑन द आउटर कंडीशन, राइट? तो आई होप कि आपको ये नेस्टिंग इफ का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कई लिंक्स हैं, सोशल मीडिया लिंक्स, आप उन पर जाकर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी हमसे क्वेश्चन या फिर इंटरेक्शन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज योर लैडर कॉन्सेप्ट। अब सर ये लैडर कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मैं आपको बता दूं, लैडर कॉन्सेप्ट वन ऑफ द इजिएस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। यहां पर आप इजिली अपने काम को कर सकते हो जहां पर कंडीशन की बात आती है, राइट? तो आइए देखते हैं कि कंडीशन की बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां पर क्या होता है
कि अगर ये कंडीशन हुई, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब आप ये काम करोगे, राइट। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर अगेन इस कंडीशन के लिए चेक किया जाएगा। क्या कहा मैंने कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इस कंडीशन के लिए क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई तो क्या कहा जाएगा, इस कंडीशन के लिए चेक करो, राइट। तो यानी यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे नेस्टिंग में क्या कहा था मैंने, नेस्टिंग में कहा था कि जो ये कंडीशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस कंडीशन, ये कहा था मैंने नेस्टिंग में, राइट, ये नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन लेटर में दिस कंडीशन जो कि आपकी करंट कंडीशन है, दिस इज नेवर डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस कंडीशन, जो आपकी करंट कंडीशन है वो कभी भी पिछली कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं होती है। तो यहीं पर स्टूडेंट को या फिर एज अ बिगनर जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं वहां पर आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होती हैं कि सर नेस्टिंग और लैडर में डिफरेंस क्या है, कहां पर किस चीज को यूज करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कंडीशन पिछली कंडीशन से डिपेंडेंट है तो आप क्या यूज करेंगे, नेस्टिंग, और अगर नहीं है देन यू विल गो फॉर द लैडर कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये तो रहा आपका इंट्रोडक्शन या फिर थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। In the next videos, we will definitely discuss about the problem solving and real life problems example. I hope you like this video, and if you like this video, then hit that like button and subscribe to the Codec. If you have any query regarding this video, then you can contact us on the given Gmail link or any of the social media platform. So thank you for the watching.